पहली बार बिहार के इतिहास में इतने बड़े संख्या में पदाधिकारियों का जो है मैंने वेतन रोकने का आदेश दिया। एक तरफ बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है, बता दें कि बिहार में जब से जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ है लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि जमीन सर्वे के काम को लेकर के अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि 12 सीओ को जहां निलंबित किया गया है तो वहीं 189 अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है, और इस पूरे मामले में खुद ही जानकारी साझा किया है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। उन्होंने बताया है कि बड़ा एक्शन लेते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त नाकाबिल 189 सीओ के वेतन को रोक दिया गया है। इसके साथ ही 12 सीओ को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, इसी बीच जमीन सर्वे का जो काम है वो सही से पूरा नहीं हो रहा था, लगातार उसके काम में बाधा आ रही थी, जिसको लेकर के दिलीप जायसवाल ने बड़ा एक्शन लिया है और उस मामले में पूरी जानकारी दी है। क्या कुछ बता रहे हैं दिलीप जायसवाल, एक बार सुनिए। अधिकारियों को, राजस्व विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया कि आप मामला लंबित रख करके भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं सामने आने का मौका दे रहे हैं। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। और राजस्व विभाग में इतने भारी संख्या में विवाद जो है वो लंबित रहने के कारण समाज में भी असंतोष फैल रहा था। हमने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आप 3 महीने के अंदर लंबित मामलों को और उसका जो समुचित न्याय है जनता को देने का काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं कोताही बरती गई और लोग आदत से मजबूर होते हैं तो सुधरने का प्रयास करते हुए भी वो सुधर नहीं पाए, काम को सही तरीके से डिस्पोजल नहीं कर पाए। हमने पता किया विभाग में कि इनका सर्विस बुक कहाँ रहता है, सेवा पुस्तिका, अगर हम इन पर कोई कार्रवाई करते हैं, जैसे 37 सीओ पर हमने कार्रवाई किया, अभी 89 सीओ पर, फिर 89 सीओ पर कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो हमने कहा जो हम सजा देते हैं वो उनके सेवा पुस्तिका में लिखा जाता है कि नहीं, तो मुझे पता चला उनका सेवा पुस्तिका तो उन्हीं के पास रहता है और कोई भी गलती करने पर उनको सस्पेंशन होता था, सजा मिलता था, वो सेवा पुस्तिका में नहीं चढ़ पाता था। तो पदाधिकारी एकदम बेधड़क थे कि हमारा तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो मैंने सभी सीओ को, करीब 1100 सीओ, आरओ एवं सेटलमेंट अफसर, एक्विजिशन अफसर, सारे पदाधिकारी को आदेश दिया कि आप तुरंत अपने सेवा पुस्तिका को विभाग में जमा करें और विगत 10 वर्षों में जो भी उनके ऊपर कार्रवाई या सजा किया गया है, सेवा पुस्तिका का मतलब ही यही होता है कि उस पर जो है उसको लिखा जाए, जिससे कि उनको अंतिम तक वो सजा का कार्रवाई का ये भुगतना पड़े। करीब 189 सीओ ने अपना सेवा पुस्तिका जो समय उनको दिया गया था नहीं जमा किया, क्योंकि कोई ना कोई गड़बड़ी उसके फाइल सेवा पुस्तिका में उन्होंने जरूर की होगी या कोई बात होगा, उन्होंने जमा नहीं किया। पहली बार बिहार के इतिहास में इतने बड़े संख्या में पदाधिकारियों का जो है मैंने वेतन रोकने का आदेश दिया कि जब तक पारदर्शी तरीके से वो सेवा पुस्तिका जमा नहीं होता विभाग में, तब तक इनके वेतन को रोक दिया जाए। और इसका असर पड़ा है और मुझे लगता है कि ये लोग अब थोड़ा सा, तो सुना आपने, दिलीप जायसवाल ने बड़ा एक्शन लेते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त और नाकाबिल 189 सीओ के वेतन को रोक दिया है। इसके साथ ही 12 सीओ को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है और कहा है कि चाहे सर्वे का काम हो या राजस्व विभाग का कोई भी काम हो, जो हम आम जनता को सेवा देते हैं, मैंने खुला संदेश राजस्व विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारियों को दिया है कि अगर वो जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे, काम में लापरवाही होगी, तो इस तरीके से एक्शन उन पे लगातार लिया जाएगा। बता दें कि बिहार में इसी साल अगस्त महीने से जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ है। इस काम में आम जनता की परेशानी काफी बढ़ा दी है, जमीन के कागजात पूरे ना होने को लेकर के लोग काफी ज्यादा हैरान परेशान नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ
लोगों का काम भी अटका पड़ा है। लोगों ने कई बार ऐसी शिकायत की कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी उनका काम नहीं हो रहा है। अब इसी बीच दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को सीधे तौर पर चिता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।